हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आज का व्लॉग मैंने सुबह से ही शुरू कर दिया है, ब्रेकफास्ट के टाइम से। वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट में, बस चने की चाट बना रही हूँ, काले चने वाली। तो उसी के लिए मैं यहाँ प्याज टमाटर ये सब काट के रख रही हूँ, उसी की तैयारी कर रही हूँ पहले। और यहाँ आंस था, उससे मैंने हरी मिर्च ली है, वो उसने मुझे फ्रिज से ला के हरी मिर्च दी है, क्योंकि इस टाइम काफ़ी लेट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ब्रेकफास्ट जल्दी बनता है, और वैसे तो अब जो आजकल का रूटीन चला है उसमें ब्रेकफास्ट बनता ही नहीं है, लेकिन मुझे दोपहर में चने की ही सब्ज़ी बनानी थी, इसलिए मैंने चने पहले ही उबाल लिए थे सुबह ही, रात को भिगो के रख दिए थे। तो मैंने सोचा चलिए चाट बना लेते हैं ब्रेकफास्ट में। चाय वगैरह हमारी पहले ही हो गई थी, तो अब थोड़ी थोड़ी सी चाट बना लेंगे तो दोपहर तक। फिर ऐसा हो जाता है कि चलो ज़्यादा भूख नहीं लगती, नहीं तो फिर बीच में कुछ फ्रूट वगैरह लेना पड़ता है। देखिए, अगर सुबह चाय ही लेते हैं, खाली लें या बिस्किट से लें, फिर भी भूख लगी जाती है, क्योंकि खाना दोपहर में ही बनाती हूँ, जल्दी नहीं बनाती। वही एक तो बज ही जाता है बनाते हुए, 1:30 के करीब ही, 2 बज जाते हैं 2:30 खाने में, तो उसी टाइम बनाती हूँ। फिर चाय के बाद बैठ जाते हैं, क्योंकि ये तो नहीं है कि किसी को ऑफिस जाना है या स्कूल जाना है, देर हो रही है आजकल, देर का तो कोई सवाल ही नहीं है किसी के यहाँ भी, तो आराम से सब काम होते हैं। और जो ये चाट है, ये तो गर्मी में हमारे यहाँ ज़्यादातर बनती रहती है, ये सबकी फेवरेट है, मेरे घर में बहुत अच्छी लगती है ये, तो ये तो जल्दी जल्दी ही बना लेते हैं हम। छोले की हो या चने की हो, इस तरह की चाट हम बना लेते हैं और अच्छी रहती है। तो देखिए, मैंने चने पहले ही उबाल के रख लिए थे, पानी निकाल दिया है इनका, और ये चने ले लिए हैं मैंने, 2 कप के करीब चने होंगे ये, 1.5-2 कप ही है, मैंने ऐसे आइडिया से ही ले लिए हैं, अंदाजे से ही, नापे नहीं हैं। और यहाँ मैंने थोड़ा सा खीरा काट लिया है बारीक, 1 प्याज काट ली है बारीक, और 1 टमाटर, और 1 था छोटा सा उबला हुआ आलू, और 2 हरी मिर्च। तो ये सब मैंने बारीक काट के रख लिए हैं। और आलू अगर आप डालना चाहें डाल लें, नहीं डालना चाहें तो ना डालें, अवॉइड कर दें इसको। ऐसा नहीं है कि ये ज़रूरी ही डालना है इसमें, लेकिन मैं डालती हूँ, इससे मसाले की जो कोटिंग है वो बहुत अच्छे से हो जाती है। तो मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा ही डालूँगी, क्योंकि चने उबाले थे उस टाइम भी नमक डाला था। और थोड़ा सा डाल दिया है इसमें मैंने चाट मसाला, थोड़ा सा डाला है भुना हुआ जीरा। ये सब डालने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी नींबू, 1 नींबू डाला है मैंने इसमें, बीज निकाल कर अच्छे से निचोड़ दिया है। और ये थोड़ा खट्टा ही अच्छा लगता है, खट्टी मीठी। अगर आपको मीठी चाहिए तो आप इसमें इमली की चटनी डाल लें, मैं भी डालूँगी, लेकिन मैंने हाफ में डाली है, हाफ मैंने खट्टी रखी है, कुछ ये खट्टी पसंद करते हैं। और मैंने और अंश ने अपने लिए उसमें थोड़ी सी इमली की चटनी डाली है, इमली की चटनी रखी हुई है मेरे पास, या फिर आप केचप भी डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केचप भी थोड़ा सा मिठास दे देता है, खट्टा मीठा लगता है उससे भी नींबू के साथ। तो अब मैं इसको हाफ ऑफ कर लूँगी, 2 बर्तनों में कर लिया है मैंने आधा आधा इसको, एक साइड मैंने खट्टा ही छोड़ दिया है, और एक साइड डालूँगी मैं इसमें थोड़ा सा इमली की चटनी, जो इमली की चटनी घर की बनाई हुई है मैंने, रखी हुई है मेरे पास, तो बस वही थोड़ी सी डाल दी है मैंने, टाइट हो रखी है, फ्रिज में रखी है, तो मैंने उसको पतला नहीं किया है, ऐसे ही थोड़ी सी मिला ली है इसमें। और ये जो हमारा स्नैक्स बनके तैयार होता है, इसको आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं या फिर स्नैक्स टाइम में ले सकते हैं, और बहुत ही हेल्दी है, इसमें कोई तला भुना कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छी चाट स्नैक्स जो भी आप बोलना चाहें इसको बोल सकते हैं, और टेस्ट भी इसमें बहुत अच्छा आता है। हमारे यहाँ तो अब गर्मी में तो खासकर ये बहुत ज़्यादा बनती है, सर्दी में थोड़ा कम बनाते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, चने फिर हार्ड हो जाते हैं, सर्दी में इतना ठंडा खाने का मन नहीं होता, लेकिन गर्मी में ये चाट बहुत मस्त लगती है। तो बस अब मैं यहाँ सर्व कर दूँगी, 1 में मैंने खट्टी सर्व कर दी है और 1 में मैंने मीठी वाली कर दी है, तो खट्टे वाली ये लेंगे और मीठे वाली अंश लेगा, तो मैंने दोनों की प्लेट साथ साथ लगा दी हैं यहाँ, देखिए। और जिसको हरा धनिया पसंद हो वो हरा धनिया भी डाल सकता है इसमें, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ हरा धनिया, ऐसे ही ये बहुत टेस्टी लगती है, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो देखिए, आप लोग भी चाट खा लीजिए, बहुत टेस्टी बनी है। और जो इस तरह बनाते हैं वो तो बनाते ही हैं, लेकिन जिसने ट्राई नहीं किया है अब तक, वो ट्राई करके देखे, बहुत ही अच्छी चाट बनती है ये, गर्मी की एक अच्छी रेसिपी है ब्रेकफास्ट की, बहुत अच्छी, और इसमें करना भी कुछ नहीं पड़ता। तो यहाँ ब्रेकफास्ट के बाद अब मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, और क्या हुआ कि ब्रेकफास्ट में जो चाट थी उसमें प्याज था, और प्याज खाने के बाद, थोड़ा तीखा खाने के बाद,
मीठा खाने का मन हुआ जो लोग मीठा खाते हैं उनको मीठे की आदत होती है। तो यहाँ अब मैं आ गई हूँ किचन में दोबारे से जलेबी बनाने के लिए। यहाँ मैंने 4 चम्मच मैदा लिया है और उसमें 2-2.5 चम्मच मैंने दही डाली है। दही घर की ताज़ी दही है, खट्टी नहीं है। और थोड़ा सा डाला है मैंने इसमें फूड कलर, मेरे पास तो येलो ही था तो मैंने येलो ही डाला है। आप चाहे तो ऑरेंज डाल लें, रेड डाल लें, कोई भी डाल लें। तो यहाँ मैं इसका बैटर बना के तैयार कर लूँगी। थोड़ी सी बनानी है मुझे तो थोड़ा सा ही मैं बैटर तैयार कर रही हूँ इसका। 4 चम्मच ही मैदा डाला है मैंने, चम्मच से ही। तो देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसका घोल तैयार कर लूँगी अच्छे से। और थोड़ा थोड़ा ही पानी डालना है, एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो घोल हमारा पतला हो जाएगा। तो देखिए मैंने पानी डाल लिया है और थोड़ा सा पानी अभी और डालूँगी मैं इसमें। तो देखिए घोल अच्छे से तैयार हो गया है, देखिए। और कलर इतना डार्क नहीं था इसका, जितना कलर थोड़ा सा लाइट में डार्क ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ घोल मैंने तैयार करके रख दिया है, 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी उसको मैं, ढककर रख दिया है। और यहाँ अब मैं बनाऊँगी चाशनी। चाशनी के लिए मैंने पैन चढ़ा दिया है और इसमें मैं डाल दूँगी 1 कप चीनी। 1 कप चीनी में मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम पानी डाला है। और अब इस चीनी को हमें मेल्ट करना है मीडियम फ्लेम पर, ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे, नहीं तो फिर चाशनी तो उबल जाएगी लेकिन चीनी अच्छे से नहीं घुल पाएगी। तो मैं इसको चीनी को अच्छे से मेल्ट होने दूंगी इसमें मीडियम आंच पर, और फिर इसमें अच्छे से बॉयल आएगा। ज़्यादा हमें इसको ना गाढ़ा करना है और ना ही ऐसा है कि बॉयल आ गया और चाशनी तैयार हो गई। थोड़ी हमें देखनी है थोड़ी सी हाथ से, जब ये अच्छे से चिपचिपाट आने लगे, मतलब दिख जाएगी कि हाँ गाढ़ी चाशनी हो गई है, तब हम चाशनी को उतार लेंगे। तो देखिए बॉयल अच्छे से आ गया है और चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो अब इसको थोड़ी देर पकाएंगे इसी तरह से। और आप चाहें तो इसमें भी कलर डाल सकते हैं, या केसर डाल सकते हैं, इलायची फ्लेवर डाल सकते हैं, जो भी आपको फ्लेवर डालना है वो आप इसमें डाल सकते हैं। लेकिन मैं प्लेन ही बना रही हूँ तो इसलिए मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो देखिए इसको मैं चेक कर रही हूँ और झाग सारे ख़त्म हो गए हैं, तो चाशनी पकने लग गई है अब देखिए। और थोड़ी चाशनी है इसलिए इसको मैं साथ साथ देख रही हूँ, कहीं एकदम से गाढ़ी ना हो जाए इसलिए चला रही हूँ साथ साथ। और लगभग अब चाशनी पकी गई है, ये दिख रही है बिल्कुल एकदम अलग ही दिख रही है। हाथ पे से मैंने इसको चेक कर लिया है, थोड़ी चिपचिपी मतलब गाढ़ी सी चाशनी दिखने लग गई है। तो यहाँ चाशनी तैयार हो गई है और मैंने गैस बंद कर दी है अब। और अब देखूंगी मैं अब बैटर जो मैंने बना के रखा हुआ है, 10 मिनट हो गए हैं लगभग। तो यहाँ मैंने इसमें 1 पिंच डाला है बेकिंग सोडा और एक मतलब आधा चम्मच के करीब डाला है मैंने इसमें बेकिंग पाउडर, और आधा चम्मच डाला है मैंने इसमें कुकिंग ऑयल। वो कुकिंग ऑयल शायद जल्दी में शुरू में ही डल गया, वो दिखाई नहीं दिया, लेकिन आधा चम्मच मैंने इसमें कुकिंग ऑयल भी डाला है। तो उससे हमारी जलेबी क्या होंगी, थोड़ी क्रिस्पी होंगी। और जैसे कि हम पकोड़े वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी हम ऑयल डाल लेते हैं 1 चम्मच, तो उससे थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाते हैं पकोड़े, जलेबी कुछ भी हो मतलब। और मैंने इसको ये सॉस की बोतल है तो उसमें डाल लिया है, इसी से बनाती हूँ मैं। इसके लिए थोड़ा सा बैटर पतला चाहिए हमें, और अगर हम कपड़े से बनाते हैं जैसे कि हलवाई बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइट चाहिए। तो यहाँ मैंने ऑयल चढ़ा लिया है और गर्म हो गया है, तो मैं चेक करने के लिए एक बूंद डाल के देख रही हूँ उसमें। तो देखिए ये ऊपर आ गई है, तो ऑयल गर्म हो गया है हल्का सा, ज़्यादा गर्म में नहीं डालना है, नहीं तो जलते जलेबी पड़ते ही इसमें जल जाएगी। और देखिए इस तरह से राउंड राउंड घुमा के बस मैं जलेबी बना लूँगी। और इनकी सेप पे मत जाइएगा क्योंकि मेरा डेली का काम नहीं है ये ये कभी कभी बनाती हूँ मैं, तो सेप तो थोड़ी सी इधर उधर होगी, देखिए हलवाई वाली सेप तो नहीं आ पाएगी। तो देखिए मैंने यहाँ 4 जलेबी इसमें डाल दी हैं और इनको इस तरह से मैंने चम्मच से पलट दिया है इस तरह से। और बस इस तरह से इनको पलट अलट पलट के क्रिस्पी होने तक सेकना है हमें। कलर तो इतना इसका डार्क नहीं आएगा क्योंकि इसमें येलो कलर पड़ा हुआ है, लेकिन पता लग जाएगा, क्रिस्पी दिखने लगेंगी कि हाँ जलेबी सिक गई हैं। देखिए कलर आ गया है, जलेबी सिक गई हैं। अब मैं इसको निकाल कर चाशनी में डाल दूँगी। देखिए इस तरह से तेल निचोड़ लूँगी इनका और फिर इनको साथ के साथ चाशनी में डाल दूंगी।
और बहुत क्रिस्पी जलेबी बनी थी। इसी से बनाती हूँ मैं, सॉस की बोतल से ही जब भी बनाती हूँ। पापा को ये जलेबी घर की बनाई हुई बहुत पसंद है, क्योंकि वे ज़्यादा बिल्कुल जो मार्केट की कई बार हार्ड सी जलेबी आती है बहुत ज़्यादा, वो उन्हें पसंद नहीं है, उन्हें ज़्यादा सॉफ्ट खाना खाना पसंद है। बड़े आदमियों को इसी तरह होता है। तो देखिए वो मैंने चाशनी में डाल दी है और यहाँ मैंने दूसरा बैच डाल दिया है। इसी तरह से मैं इनको पलट पलट के सेक लूँगी, देखिए इस तरह से। और अगर मन कर रहा है, जैसे कि अब बंद है तो जलेबी वगैरह आ जाती हैं बाहर से, जलेबी मेरे घर में थोड़ी सी ज़्यादा ही आती हैं, तो मन हो रहा था अंश का भी और मेरा भी हो रहा था सही बताऊँ तो, मीठा खाने का प्याज खाने के बाद सुबह, तो हमने सोचा चलिए बना लेते हैं फटाफट से। आजकल और सूजी क्या रहा है, यही सोचता है बस, चलो भाई ये बना लो वो बना लो, यही फ़ायदा हो रहा है छुट्टी का। तो देखिए ये जलेबी भी सिक गई हैं, अब इनको भी मैं निकाल लूँगी। देखिए और जो पहले वाला चाशनी में डाला है पहला राउंड, उसको मैं बाहर निकाल लूँगी और इनको मैं डाल दूँ, क्योंकि चाशनी मैंने थोड़ी बनाई है इन्हीं के हिसाब की, नहीं तो फिर ज़्यादा बचेगी। तो ये मैंने देखिए इसमें डाल दिए हैं और पहला बैच मैंने इसके अंदर से निकाल लिया है, देखिए इस तरह से। और बस जब अगला बैच तैयार होता है तब तक इतनी देर में ये चाशनी को बहुत अच्छे से पी लेती हैं, अब्जॉर्ब कर लेती हैं, नहीं तो फिर ज़्यादा देर रहेंगी तो ज़्यादा सोगी सोगी सी हो जाएंगी, नरम सी पड़ जाएंगी। देखिए यहाँ मैंने फिर तीसरा बैच डाल दिया इसी तरह से, लगभग ऐसी बनी थी ये, इस 4 चम्मच मैदा था मेरा तो उसमें 20 से 22 जलेबी बन गई थी। तो देखिए जलेबी तैयार हो गई हैं, और ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल हलवाई वाली हैं, देखिए वो तो नहीं है, लेकिन इतनी बेकार भी नहीं बनी थी, क्रिस्पी जलेबी अच्छी बनी थी, मतलब मेरी मेहनत वसूल हो गई थी ऐसी जलेबी बन गई थी। तो देखिए जलेबी घर पे ही बन गई और अपना जो मन था वो भी अपना खा के इच्छा पूरी हो गई अच्छी जलेबी बनी थी, क्रिस्पी थी काफ़ी। तो बस आप भी जलेबी खा लीजिए हमारे साथ, बताइएगा कैसी बनी है। और देखिए अब लास्ट का जो राउंड है वो हस्बैंड जी ने संभाल लिया है कि अब मैं निकालूंगा, मैं दिखाऊंगा बना के, ये बोल रहे थे कि अब मैं दिखाऊंगा बना के कितनी अच्छी बनने वाली है। और काम कर रहे थे ऑफिस का, करते करते आए हैं बाहर खुशबू देखकर कि मैं भी देखता हूँ क्या बन रहा है। और जो थोड़ी सी चाशनी बच गई थी उसको भी मैंने साथ साथ ही यूज़ कर लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा आटा गूँथ के और थोड़ा सा मोयन डाल के उसकी मैंने 5 पूरियाँ मीठी पूरी बना ली हैं। मैंने सोचा पैन तो चढ़ा हुआ ही है, इस चाशनी को मैं कब तक रखी रखूँगी, तो मैंने साथ साथ ही उसको भी यूज़ कर लिया है, अच्छी लगती है मीठी पूरियाँ। तो देखिए खाने की क्या हालत हो रही है आजकल, बस खाना खाना खाना, झूठ नहीं है ये बात, एकदम सच हो रही है, खाना खाना। और अभी तक 2 डिश बना चुकी हूँ और फिर खाना हो जाएगा, खाने के बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि ना तो जलेबी से पेट भरेगा और ना ही चना चाट से पेट भरेगा। खाना भी अभी बनाऊंगी लेकिन लेट बनाऊंगी आज बहुत, क्योंकि अभी काफी लेट हो गया है, 11 बज गए हैं, 11 बजे तक तो यही हुआ है हल्का फुल्का। और किचन देखिए जरा, किचन क्या मतलब फैली पड़ी है पूरी, दूध वाला आ गया है, दूध भी गर्म करूंगी, ये रखा भी कच्चा ही रखा है, और बस हालत आपको दिख ही रही है। तो पहले इसको समेटती हूँ, दूध गर्म करूंगी, और कल मैंने मलाई जमाई थी, उसका घी भी बनाना है, मक्खन बनाना है, तो बहुत सारे काम है, और छुट्टी की वजह से काम होता है तो मेरा ज्यादा फैलता है, नहीं वो भी लग गया है ऑफिस का काम करने लग गया है खा पी के। और अब अंश को बोल रही हूँ बेटा तुम भी अपना होमवर्क कर लो, क्योंकि बहुत सारा होमवर्क आ गया है इसका, कर रहा है कई दिन हो गए हैं इसको होमवर्क करते करते, लेकिन रोज नया आ जाता है, जैसे कि क्लास में ही होमवर्क मिलता है उतना ही काम मिल रहा है घर पे भी। तो इसको बोल रही हूँ कि बेटा तुम भी होमवर्क कर लो अपना, और मैं लगती हूँ अपने इस काम में। चलिए मिलती हूँ आपसे फिर, क्या बनाती हूँ, बनाऊंगी कुछ ज्यादा नहीं, चने उबले हुए रखे हैं उन्हीं की मैं सब्जी बनाने वाली हूँ आज, और साथ में चावल, और ज्यादा लंच में कुछ भी नहीं बनाऊंगी यही बनाऊंगी एक बार का, 2 बार मतलब एक बार चने उबाले और 2 बार उसका खाना तैयार करूंगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे, समेट लेती हूँ मैं थोड़ा सा।
तो देखिए अब मैं खाना बनाने के लिए आ गई हूँ किचन में। किचन में ही हूँ मैं सुबह से ही, क्योंकि बताया था कितना काम पड़ा हुआ था मेरा, तो वो सारा काम मैंने समेट लिया है। बस घी पकाना बचा है, वो मैं पका रही हूँ साथ साथ ही। और यहाँ मैंने पैन चढ़ा दिया है, ऑयल गर्म होने के बाद उसमें थोड़ा सा हींग और दो छोटे से तेज पत्ता डाल दिए हैं, छोटे से थे या नहीं तो एक भी डाल लेती, और एक चम्मच डाल दिया है मैंने उसमें जीरा। अब इसको होने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी प्याज और लहसुन का पेस्ट जो मैंने पीस के रखा हुआ है। इसमें मैं जो चने की सब्जी बना रही हूँ उसमें मैं प्याज को पीस के डाला है, क्योंकि उससे थोड़ी सी जो हमारी ग्रेवी बनेगी वो गाढ़ी सी बनेगी, इसलिए मैंने प्याज को पीस लिया है। तो यहाँ मैं साथ साथ घी भी देख रही हूँ अपना और प्याज भी भून रही हूँ, और घी लगभग होने ही वाला है। घी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है इस टाइम पे। तो देखिए प्याज को साथ साथ चला रही हूँ, और जो ये पिसा हुआ पेस्ट होता है प्याज का लहसुन का, इसको भुनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, कटा हुआ थोड़ा सा जल्दी भुन जाता है और थोड़ा सा इसमें ऑयल भी ज़्यादा जाता है, लेकिन टेस्ट बहुत अलग होता है कटे हुए से पिसे हुए का। तो देखिए बस इस तरह से चला चला के मैं अच्छे से इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भून लूँगी, और इससे ज़्यादा ध्यान मेरा इस टाइम घी पर है। घी हो गया है तो मैंने हटा दिया है उसको, क्योंकि गैस जो होती है गर्म रहती है काफ़ी देर तक, तो उसमें घी ज़्यादा पक जाता है। तो देखिए यहाँ प्याज भी भून चुकी है, अब मैं इसमें डाल दूँगी सूखे मसाले, वही रोज़ के मसाले, एक चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए। तो ये सब मैं इसमें डाल दूँगी, और इसको मिक्स करने के बाद अच्छे से थोड़ी सी तीखी वाली मिर्ची भी डाली है, जैसे कि आपको पता ही है कि मेरी जो घर की पिसी हुई मिर्ची होती है वो भी मैं थोड़ी सी ऐड करती हूँ, क्योंकि जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है वो तीखी नहीं होती है, वो चरचरी नहीं होती है बिल्कुल भी। और यहाँ अब मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर और अदरक का पेस्ट, दो मैंने उसमें हरी मिर्च भी डाली थी, थोड़ा सा तीखा ही खाना बना रही हूँ। और अब इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी, और बस अब इस मसाले को ढककर पकने के लिए छोड़ दूँगी। तब तक मैं घी देख लूँगी अपना, तब तक मसाला भुनेगा। तो देखिए अब मैं मसाला चेक करने लगी हूँ, थोड़ा सा और भुनना है अभी मसाले को, अच्छे से नहीं भुना है क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा है, और ज़्यादा टमाटर मैंने इसलिए लिए हैं इसमें, इसमें मैंने तीन बड़े टमाटर लिए हैं, क्योंकि जो चने होते हैं उनकी ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी अच्छी लगती है, नहीं तो फिर चने अलग और पानी अलग इस तरह से रहता है, तो इसलिए मैंने इसका मसाला थोड़ा ज़्यादा बनाया है। देखिए मसाला भुन गया है अच्छे से, अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़े से मसाले, और अब मैं इसमें डाल दूँगी नमक मसाले के हिसाब से, क्योंकि चने के अंदर तो नमक था, और एक चम्मच डाल दिया है मैंने इसमें चना मसाला, और अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। देखिए इस तरह से तो मसाला बहुत अच्छी तरह भुन गया है, और अब इसमें मैं डाल दूँगी आधा चम्मच गरम मसाला, और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी चने। देखिए मसाला कितना अच्छा भुन गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है भुने मसाले में। और चने जो मैंने सुबह ही उबाल लिए थे उनको कुकर से निकाल लिया था, थोड़ा सा पानी भी उनके अंदर था उबला हुआ ही, जो मैंने पानी के साथ उबाले थे तो थोड़ा सा पानी छोड़ दिया था मैंने उनमें, वो उसके समेत ही मैंने इसमें डाल दिया है, और थोड़ा सा पानी और डाल दिया है, जितना कि पतला ग्रेवी हमें चाहिए उसी हिसाब से मैंने थोड़ा सा पानी और डाल दिया है इसमें। और अब इसको मैंने कर दिया अच्छे से मिक्स, और अब मैंने इसको ढक दिया है पकने के लिए, छोड़ दूंगी थोड़ी देर के लिए। तो देखिए यहाँ चने पक गए हैं, बॉयल बहुत अच्छे से आ गया है, और काफ़ी गाढ़ी ग्रेवी हो गई है चने की, क्योंकि मसाला ज़्यादा इसीलिए डाला था मैंने कि थोड़ी सी थिक सी ग्रेवी अच्छी लगती है, नहीं तो फिर चने अलग और पानी अलग वो अच्छी नहीं लगती। और अब थोड़ा सा और इसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया है, हल्की हल्की सी आँच करके थोड़ा सा और पक जाएगा। और इधर मैंने चावल का पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है, और उसमें मैं चावल डाल दूंगी। देखिए पानी बॉयल हो गया था तो अब मैंने उसमें चावल डाल दिए हैं, और इधर चावल भी तैयार हो जाएंगे, और इधर चने भी तैयार हो गए हैं, मतलब सब्जी भी चने की तैयार हो गई है, तो खाना तैयार हो जाएगा। तो देखिए सब्जी कितनी अच्छी दिख रही है, चने की सब्जी भी अच्छी लगती है, ऐसा नहीं है कि चने की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती, चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है, पूरी के साथ चावल के साथ अच्छी लगती है। देखिए बहुत गाढ़ी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनी है, और तेज पत्ता मैंने इसका निकाल दिया है, नहीं तो फिर सामने आता है खाने में, क्योंकि जितना फ्लेवर इसका आना था उसमें आ गया है, और ज़्यादा खड़े मसाले तो कुछ मैंने डाले ही नहीं थे, नहीं तो आप जो भी डालना चाहे खड़े मसाले भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाए हैं।
तो यहाँ सब्जी तो तैयार हो गई है, चावल में भी बॉयल आ गया है, बस चावल भी पकने ही वाले हैं तो मैं इनका फिर पानी निकाल दूँगी और खाना तैयार हो जाएगा। आज रोटी नहीं सेकूँगी, खाली चावल ही बना रही हूँ। तो देखिए चावल भी बन गए हैं और मैंने सर्व कर दिया है सलाद, प्याज और खीरा। और दही ली है प्लेन वाली, क्योंकि सुबह भी चने बहुत मसाले वाले खाए थे और अब भी मसाले वाले हैं चने, तो दही सिंपल ही बोली है इन्होंने कि दही सिंपल लूँगा मैं, तो मैंने कोई रायता वगैरह या नमक कुछ भी नहीं डाला है इसके अंदर, सिंपल दही है और यहाँ चने की सब्जी है। तो आप लोग भी लंच कर लीजिए हमारे साथ, बहुत टेस्टी चने की सब्जी बनी है। अब दोपहर का काम मेरा ख़त्म हो गया है, मैं बैठी थी, मैंने सोचा चलिए पहले 2 मिनट आपसे बात कर लेती हूँ। वैसे तो खाना खाने के बाद, किचन क्लीन करने के बाद फिर ऐसा लगता है कि अब आराम कर लो, लेट जाओ। और अब ना दोपहर ही अच्छी होने लगी है तो लेटने का मन करता है, आलस आने लगा अब खाना खाने के बाद, क्योंकि गर्मी भी होने लगी है। अब तो खूब अच्छे से पंखे चल रहे हैं और आज मैंने पंखा साफ़ करवाया था, क्योंकि थोड़ी सी धूल हो जाती है ना, अब सर्दी में तो ज़रूरत नहीं पड़ती, तो साफ़ किसी ने भी नहीं किए। दिवाली पर ही पंखा साफ़ किया था तो आज मैंने पंखा साफ़ करवाया इनसे सुबह सुबह। बेडशीट चेंज करनी थी तो मैंने सोचा चलिए आज पंखा साफ़ करा लेती हूँ, क्योंकि फिर बेडशीट के ऊपर थोड़ी बहुत धूल मिट्टी गिरती है, जो भी पंखे के ऊपर होती है डस्ट ज़रा सी भी गिरे तो अच्छा नहीं लगता इस तरह। तो मैं उसी दिन पंखा साफ़ करवाती हूँ जब भी मुझे कराना होता है, तो फिर बेडशीट चेंज करनी पड़ती है उस दिन, तो मैंने सुबह सुबह करा लिया था आज। और फिर अपना खाने में लग गई थी, जो जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और जो मैंने आज वो पूरी बनाई थी ना, उसकी जो मेरी वो बची थी चाशनी, वो वाली पूरी बहुत टेस्टी लगी है अंश को भी और मुझे भी। और जब हमने टेस्ट करके देखी बाद में, जब वो ठंडी हो गई थी दोपहर के बाद ही देखी, अभी दोपहर में ही, तब तो मन नहीं था, जलेबी खा ली थी मीठी मीठी, तब तो नहीं टेस्ट की थी, लेकिन बाद में देखी ठंडी होने के बाद बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी टेस्टी थी, थोड़ी क्रिस्पी हो गई थी ठंडी होने के बाद। तो अंश बोला था मम्मी और बना देना, और मैं भी बोल रही थी कि बनानी पड़ेंगी, और ये बोल रहे थे कि दोनों माँ बेटा मीठे के पीछे पड़ गए हो। मैं और अंश मीठा खा लेते हैं, श्रेय नहीं खाता, श्रेय को मीठी पूरी पराठा कुछ भी पसंद नहीं है, चाय चीला हो वो नहीं खाता श्रेय। अंश बोलेगा मम्मी मीठा पराठा लेके जाऊंगा स्कूल, श्रेय एकदम मना कर देगा, मैं नहीं लेके जाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, इस तरह करने लगेगा वो नहीं खाता, लेकिन मुझे और अंश को पसंद है, पापा को पसंद है, तो हम सबको मीठा पसंद है। तो ये रहा, अच्छी थी पूरी, मतलब पूरी बोलते हैं, या पहले तो उनको गांव में वो बोला जाता, हमारे यहाँ सुहाली, मीठी सुहाली, या फिर पूरी कुछ भी बोल सकते हैं। और ऐसे ही मीठा पराठा भी बन जाता है, बनाती हूँ मैं, अच्छा लगता है। तो बस आज मैंने वीडियो में और ज़्यादा कुछ काम वाम तो नहीं शूट किया, क्योंकि आजकल ना थोड़ा टाइम टेबल ख़राब हो रहा है बिल्कुल। सभी का हो रहा है इस तरह ही, सब मतलब इधर उधर चल रहा है, हिसाब किताब काम का कोई टाइम नहीं है। जैसे कि पहले मेरा रूटीन अलग था और अब तो मेरा रूटीन एकदम चेंज है, बिल्कुल पूरी तरह चेंज है, क्योंकि जो भी मेरा ज़्यादातर काम होता है वो मैं सुबह ही कर लेती हूँ। ये लेट उठते हैं, ऑफिस नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना बच्चों को, तो मैं जल्दी अपना काम कर लेती हूँ सुबह सुबह। और फिर दिन में तो बस ज़्यादा काम नहीं रहता, तो फिर मैं सुबह सुबह ना कैमरा लगाने में थोड़ा सा सोचती हूँ, अरे चलो सुबह सुबह क्या करना, अब तो सबका ही ऐसा ही चल रहा है, सबके घरों में ही, तो वही रूटीन मेरा हो रहा है। फिर ये होता है कि चलो काम कर रही हूँ तो शूट कर लेती हूँ, और अब तो बस मेन काम तो खाना बनाने का है, तो वही शूट करती हूँ, और वैसे अब कुछ है भी नहीं है ऐसा। चाय वगैरह ही बनेगी, यही होता है शाम के टाइम, या फिर शाम का ही काम होता है, शाम को ऐसा कुछ ज़्यादा काम नहीं है, आज नहीं है कुछ भी। तो बस चलिए, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर एंड कॉमेंट करें, और बेल आइकन क्लिक करें जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बस मिलती हूँ कल आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।